नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिंदी दिवस पर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के शासकीय मेडिकल कॉलेज में हिंदी में भी पढ़ाई होगी, जहां इसी सत्र से मेडिकल कॉलेज में हिंदी पुस्तकों का वितरण शुरू होगा। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने से ग्रामीण अंचल के छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि MBBS की पढ़ाई की व्यवस्था भी हम हिंदी में करेंगे। इस साल के प्रथम सत्र 2024-25 में MBBS की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी। इसके लिए छात्र छात्राओं की संख्या अनुरूप आवश्यक पुस्तक उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय की घोषणा को लेकर IMA के पदाधिकारी डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि भारतीय चिकित्सा शिक्षा का स्तर पूरे विश्व में अद्वितीय है। चिकित्सा शिक्षा की भाषा का माध्यम बगैर तैयारी के बदलना अनुचित है। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, पंकज झा जी और सभी मीडिया के साथीगण, आज हिंदी दिवस है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हमारी सरकार एक बड़ा निर्णय ले रही है। हिंदी दिवस मनाने की सार्थकता तभी होगी जब हम शासन प्रशासन और शिक्षा के हर स्तर पर हिंदी को लागू करेंगे, हिंदी में कामकाज करेंगे। और इसी क्रम में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि MBBS की पढ़ाई की व्यवस्था भी हम हिंदी में करेंगे। इस साल प्रथम सत्र में MBBS की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी। इसके लिए छात्र छात्राओं की संख्या अनुरूप आवश्यक पुस्तक उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में यह काम हो रहा है। हम अपनी शिक्षा नीति को हर स्तर पर पुरानी मैकाले की साम्राज्यवादी शिक्षा नीति से अलग कर रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रैली में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने की मंशा जाहिर की थी। उसका क्रियान्वयन हम करने जा रहे हैं। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने का सबसे अधिक लाभ हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को होगा, जो अधिकतर हिंदी मीडियम से होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन अंग्रेजी की वजह से उन्हें चिकित्सा पाठ्यक्रम में कुछ दिक्कतें आती हैं। अब यह दिक्कत दूर हो जाएगी। इससे चिकित्सा छात्र छात्राओं का आधार भी मजबूत होगा और अच्छे चिकित्सक तैयार करने में इससे अधिक मदद मिलेगी। मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने पर यह नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी होगी, इसको इस तरह किस तरह से देखते हैं आप? IMA के पदाधिकारी भी हैं और एज अ डॉक्टर भी। देखिए, मुख्यमंत्री जी का हिंदी दिवस पर जो हिंदी के प्रति समर्पण है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट मेडिकल प्रोफेशन के साथ करना मुझे लगता है हाराकिरी करने जैसा होगा। सारे इंटरनेशनल जर्नल, सारी किताबें, सारी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी में है और ऐसा प्रयोग करके शिवराज सिंह जी की सरकार मध्य प्रदेश में फेल हो चुकी है। उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी कि पूरी पढ़ाई हिंदी में होगी, लेकिन वो किसी प्रकार का उठाव उस घोषणा का नहीं हो सका।
मुझे दुख है इस बात का कि इस प्रकार की बगैर तैयारी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और पहले मेडिकल एक्सपर्ट्स की या शिक्षकों की राय ले ली जाती तो ज्यादा अच्छा होता। मुख्यमंत्री की घोषणा परवान चढ़ेगी इसमें बहुत। एसआई भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल रखा है। अभ्यर्थी 10 सितंबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं। नया रायपुर धरना स्थल तूता में अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच शनिवार को आमरण पर बैठे अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। देर रात पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अभ्यर्थी को उठाकर पुलिस वैन से अस्पताल ले आए। आमरण पर बैठे अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए शनिवार की रात डॉक्टरों की एक टीम धरना स्थल पहुंची। स्वास्थ्य परीक्षण करने पर कुछ अभ्यर्थियों का शुगर लेवल काफी कम पाया गया। इसके बाद देर रात पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों को उठाकर पुलिस वैन में हॉस्पिटल लेकर आई। इस पर आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों ने आपत्ति की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस बिना एम्बुलेंस के जबरदस्ती अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों को उठाकर ले गई है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम लोग को मेडिकल वाला मतलब एम्बुलेंस में लेके जाओ, पुलिस गाड़ी में क्यों जाएंगे? पहली बात तो एम्बुलेंस बुला लीजिए। नहीं नहीं नहीं, पुलिस और एम्बुलेंस बुलाइए। हम लोग का स्वास्थ्य ठीक नहीं है बोल रहे, पुलिस गाड़ी में क्यों जाएंगे भाई? तो एम्बुलेंस आ रही है ना। गलत थोड़ी बोल रहा हूँ भाई, बताओ ना। बोलिए भैया, एम्बुलेंस को बुलाइए। इधर बोलिए, हम लोग का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम लोग का शुगर लेवल कम हो रहा है बोल रहे हैं, तो पुलिस गाड़ी में क्यों जाएंगे? हम लोग एम्बुलेंस में जाएंगे ना, एम्बुलेंस को बुलाइए, हम लोग जाएंगे। बिल्कुल सही, ठीक है ठीक। पुलिस गाड़ी थोड़ी होता है किसी मरीज को ले जाने के लिए, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, कहीं ले जा रहे हैं। वही बोल रहा हूँ, आप हॉस्पिटल ले जाएंगे तो एम्बुलेंस रहता है ना, हॉस्पिटल में रहता है कि नहीं रहता है? चलो चलो जी, नवनीत कौन जा रहा है? साथ में कौन? नवनीत जा रहे हैं। नवनीत कौन है? हाँ सब चलेंगे, सब चलेंगे। हाँ सब जाएंगे, क्या पता कहाँ जेल में जाकर ढूंढ पाएंगे। आप लोग सब साथ में चलोगे नहीं तो? एम्बुलेंस बुला लीजिए सर, एम्बुलेंस बुला लीजिए। गलत थोड़ी एम्बुलेंस बुला लीजिए सर, है ना? एक बार कॉल करेंगे तो आ जाएगा। बुला दीजिए सर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस मंगा लीजिए सर। इतना टाइम आप लोग शुक्ला कॉल कर दिया हूँ, आ रहे हैं। आ सकती है एम्बुलेंस, क्यों नहीं आ सकती? आमदीनगर हुडको स्थित कालीबाड़ी के सामने स्थित खाली जमीन को लेकर दो पक्षों में लंबे समय से चल रहे विवाद का मामला हाईकोर्ट के निर्देश के साथ ही समाप्त हो गया है। हाईकोर्ट के नए आदेश के तहत कालीबाड़ी के सामने स्थित विवादित स्थल पर गार्डन बनाने का निर्देश दिया था, जिसके तहत रविवार को गार्डन बनाने के लिए फेंसिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इसके साथ ही पाथवे एवं घास लगाने का कार्य भी जल्द ही प्रारंभ कर दिया जाएगा, जो लगभग 15 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। रविवार को प्रारंभ हुए कार्य के दौरान किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि खाली जमीन पर गार्डन और फेंसिंग कार्य के दौरान जो भी व्यक्ति बाधा डालेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक थोड़ा आपस में ही विवाद चल रहा था काफी दिन से, रहवासियों में और कमिटी में। तो जो काम हो रहा है, हाईकोर्ट का जो निर्देश है वो बहुत फायदेमंद है देखा जाए तो समाज के लिए। यहाँ अगर वृक्षारोपण होगा तो मोदी जी जो बोलते हैं एक पेड़ माँ के नाम, उसके अंतर्गत भी उनका कहना भी हम साक्ष्य करने जा रहे हैं और इससे काफ़ी फायदा है समाज को, मंदिर को और सब। तो न्यायालय की जो ये वो है, कैसा लगा न्यायालय का इंसाफ? न्यायालय का इंसाफ, अभी न्यायालय में कार्यक्रम जो प्रकरण है ये अभी थोड़ा सा अभी ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है ना। और जो राय दिया है उन्होंने वृक्षारोपण का, घास और वो सब गार्डन बनाने का, ये बहुत ही अच्छा स्वागत योग्य निर्णय। देखिए ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति तो है नहीं, और मार्केट का जो एरिया है वो मार्केट के जो इधर की जो दुकानें हैं ये दुकान का पीछे है, दुकान का सामने जो है जो फ्रंट है वो दूसरी तरफ है।
इस तरफ नहीं है, ये पीछे का तरफ है। फिर भी अगर किसी को आपत्ति होती है, व्यक्तिगत कोई दिक्कत होती है, तो सबको मिलजुल के सबको समझ के आपस में तय करके इसको निर्णय लेना, ये हम समझते हैं। ठीक है, देखिए ये आज करीबन 20 साल से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और 40 साल से हमारा ये मंदिर चल रहा है और आज जाके हमारा बहुत बड़ा एक सपना पूरा हुआ है, जो कि हाईकोर्ट के द्वारा, हाईकोर्ट ने शायद माँ की बात समझ ली और हम लोग को ये आदेश दिया कि इसको एक अच्छा सा गार्डन बनाया जाए, जो कि आज हम लोग हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आज इस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। किस किस तरह की व्यवस्था यहाँ की जाएगी? इसमें पूरे चारों तरफ पेड़ लगाया जा रहा है और भी लगाएंगे, बीच में घास लॉन बनाया जा रहा है बच्चों लोगों को खेलने के लिए, बुजुर्गों को बैठने के लिए, बगल में पाथवे भी बनाया जा रहा है जिसमें बुजुर्ग लोग या जिसको भी सवेरे मॉर्निंग वॉक करना है वो कर सकते हैं। दूसरा, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक जो सपना है कि एक माँ के नाम एक पेड़, वो भी हम लोग ने उस चीज़ को भी आज पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर दें, पूरी कोशिश है जितना से जितना हो सकता है। अभी तो मालूम नहीं है, अभी हमारा अगला एक तारीख को सुनवाई है, उसमें न्यायालय क्या बोलती है वो न्यायालय के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं। ठीक, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन और गिंजा सिल्क, कोटा सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट, मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90।
फनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। फनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। फनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर एक पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में फनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि फनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब फनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। फनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। फनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। फनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। फनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए फनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। फनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। फनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। फनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीजी मिरर्स कल्चरल ग्रुप गणेश उत्सव समिति द्वारा विगत 26 वर्षों की भांति इस वर्ष भी सेक्टर 1 सड़क 11 के मैदान में गणेश उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। इस 27वें वर्ष में गणेश पंडाल में विघ्नहर्ता गणेश की 16 फीट ऊंची रुद्र रूप में प्रतिमा स्थापित की गई है जो भगवान गणेश का 8वां रूप है। गणेश पंडाल में जानवरों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की थीम पर बनी जीवंत झांकी लगाई गई है। यह मानव मंकी की मस्ती श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसके अलावा रंग बिरंगी लाइटों से सुसज्जित पंडाल और पंडाल के अंदर बने पेड़ पौधों के बीच मानव मंकी की मस्ती श्रद्धालु किसी जंगल में घूमने का एहसास कर रहे हैं।
इस बार हम लोग किंग कॉन्ग वर्सेस जो गॉडजिला मूवी आई थी उसके उसके देख के हम लोग थीम बनाए यहाँ पर बच्चे लोग के लिए बहुत मतलब कि फन है उनके लिए बहुत अच्छा लग रहा है जो भी बाहर निकल रहे सब बोल रहे बहुत मजा आ रहा है रिटर्न पब्लिक बहुत सारी आ रही है इसको को लेके पूरा का पूरा देख रख किया गया है मेरे को नजर नहीं आ रहा है आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा सुरक्षा के लेकर बॉडीगार्ड से लेकर हर चीज कमेटी के सदस्य सब के सब तैनात है सब लोग कोई दिक्कत नहीं होगा या मनमोहक छवि भगवान के जन्म की जो भक्त देख रहे हैं या भागचंद के रूप में नव गणेश है या हर भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं विभिन्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं और हर साल की भाग इस बार नवम स्थान के रूप में अपधारे हुए हैं आप भक्तों के बीच में तथा यह भागचंद्र के माथे पर चंद्रमा है विराजमान रहता है जो हमारी मूर्ति पूजा की जा रही है इसमें चंद्रमा विराजमान है मुख्य रूप से इसलिए भागचंद्र के रूप में हटाने जाते हैं क्षेत्रों आपसे मंदिरों का ताय ताय से आपके नाम के मंदिरों को विश्वास करता है। छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गणेश उत्सव जनसेवा समिति एवं हर हर गंगे समिति के संयुक्त तत्वावधान में सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गणेश उत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव के 8वें दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भगवान की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। गणेश जी के दर्शन पश्चात श्रद्धालु पंडाल में बने भव्य फिश टनल देखने पहुंच रहे हैं जिसमें लगभग 1,00,000 की संख्या में विभिन्न प्रकार की छोटी एवं बड़ी रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। उन्हें देखने के लिए प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पूजन का 8वां दिन हमारी समिति द्वारा विशेष पूजा की गई है और समिति के माध्यम से जो हमने कार्यक्रम किया है हमारे पूजा पंडाल से लेके जो फिश टनल लगा है उसमें श्रद्धालुओं का बहुत प्यार हमको मिला है। जो अद्भुत है ये तो भगवान की कृपा है क्योंकि हम लोग जब छोटे से पूजा जब स्टार्ट किए तो हम लोग को ऐसा लगा नहीं कि हम लोग इतने बड़ी ऊंचाई पर चले जाएंगे। आज जगह जगह चर्चा है हर कोई बोल रहे हैं कि आपकी समिति ने जो काम किया है वो सराहनीय काम किया है। हमारे समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने जिनकी मेहनत से इतना बड़ा कार्यक्रम अपने किया है। वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, agar aap chahte hain ki aap 12th ke baad science mein aapke bhavishy banana chahte hain to Shankaracharya Professional University mein ek baar zarur aaye. Pharmacy course mein abhi direct admission 12th ke percent basis pe diya ja raha hai, to jald se jald sampark kare. तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में स्थित गांधी चौक इलाके में बीते दिनों हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाकर डकैती डालते हुए 7 लाख कैश और 2,85,00,000 के गहने उड़ा ले गए थे। लूट की वारदात के वक्त का वीडियो अब सामने आया है। वीडियो दुकान में लगी सीसीटीवी का है। वीडियो में ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे दुकान के मालिक को बदमाश लॉकर में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। दुकान के मालिक ने हिम्मत दिखाई और बदमाशों का विरोध किया, जिसके बाद बदमाश मालिक को छोड़ मौके से फरार हो गए। डकैत जिस तरह से दुकान के मालिक को दुकान के भीतर बने लॉकर में बंद करने की कोशिश कर रहे थे, उससे उसकी जान भी जा सकती थी। उद्यमियों की संस्था BNI द्वारा रविवार को एक निजी होटल में उपहार उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग भिलाई में BNI के सदस्यों की दुकान से खरीदारी करने पर ग्राहकों को एक कूपन दिया गया था। उक्त कूपन का रविवार को मेगा ड्रा निकाला गया, जिसमें लकी विनर्स को उपहार दिया गया। BNI के सदस्यों ने जानकारी दी कि लगभग 40 व्यापारियों ने मिलकर इस योजना को लाए हैं। इस स्कीम से ग्राहकों को बेनिफिट हो सकता है। हर खरीदी पर ग्राहक को एक कूपन दिया जाता है, जिसका लकी ड्रा निकाला जाता है और लकी ग्राहक को उपहार दिया जाता है। व्यवसाय को बढ़ावा देने वाली संस्था BNI के द्वारा विभिन्न आयोजन व्यवसाय जगत में किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में उपहार उत्सव का विशेष आयोजन शहर के एक निजी होटल में किया गया। यहाँ पर ग्राहकों को विभिन्न योजनाएं जहाँ बताई गई, साथ ही उनके होने वाले लाभों के बारे में भी जानकारियाँ दी गई। इसके साथ ही लकी ड्रॉ भी निकाला गया। उपहार उत्सव के इस विशेष आयोजन में व्यापार जगत से जुड़े लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। हमारे लिए उपलब्ध कराया है चेतन चौहान जी ने, चौहान ऑटोमोबाइल से जो मीटिंग यहाँ उपलब्ध है। आप BNI के द्वारा इस तरह की जानकारी आयोजन को लेकर दी गई। सर, यहाँ आज उपहार योजना, उपहार उत्सव योजना चालू है, इसका आज मेगा ड्रा है यहाँ पे। इसमें हम लोग BNI के कम से कम 32 व्यापारी लोग मिलके ये उपहार योजना, उपहार उत्सव योजना चालू की है हम लोग। तो इसमें आज हम लोग यहाँ पे ड्रा निकालने वाले हैं। इसमें सर आज करीब करीब मान के चलिए करीब करीब 100 लोग शामिल होने वाले हैं। जितने 32 व्यापारी वो लोग तो है ही, इसके अलावा और भी शहर के व्यापारी लोग आए हुए हैं जिनको हम कूपन दिए हैं, वो लोग भी यहाँ आए हुए हैं। वो लोग भी ये देखना चाह रहे हैं कैसा निकलेगा कूपन, किसको किसको किसका किसका ड्रा फंसने वाला है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं न्यू राजस्थान ग्लास से, मेरा नाम निखिल टांक। मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ कि हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं BNI का एक उपहार उत्सव लेके, जो कि सारे दुर्ग भिलाई के जो हमारे ग्राहक हैं उनके लिए एक योजना है, जिस पे आप हमारे यहाँ परचेजिंग करते हैं तो आपको हर दुकान पे अलग अलग प्राइजेस के हिसाब से आपको कूपन दिए जाते हैं। इस कूपन के थ्रू आप कुछ लकी विनर्स बन सकते हैं, जिस पे आपको अलग वैराइटीज़ के गिफ्ट्स मिल सकते हैं, जैसे कि फॉरेन ट्रिप है, चमचमाती कार है, स्कूटी है और बहुत सारे गिफ्ट है। तो ये सब चीज़ हम लोग BNI के कुछ 40 व्यापारी लोग एकत्रित होकर एक साथ एक जगह पे मिलके आप लोगों के लिए ये सब योजना लेके आए हैं। हम लोग भिलाई दुर्ग के BNI मेंबर हैं सारे। हम लोगों ने एक अच्छी स्कीम लॉन्च करी है, जिससे हमारे सबके ग्राहकों को बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। इसमें सबके सब मतलब हर आदमी तो नहीं जीत सकता, पर कुछ लकी लोग हैं जो कार जीत सकते हैं, ई स्कूटर जीत सकते हैं, विदेश यात्रा जीत सकते हैं। हर खरीदी पे आप 1,000 रुपये का कूपन पा सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आपको कूपन मिलेगा। कूपन का लकी ड्रॉ आज पहला ड्रॉ है, ऐसे ही हर महीने कुछ कुछ ड्रॉ निकलते जाएंगे और आखिरी में आपके सपनों की कार भी आप जीत सकते हैं। आपको इसके लिए BNI मेंबर बनना होगा। BNI मेंबर लोगों के लिए हमारी एक संस्था है BNI मेंबर्स की, जो
इस काम को करती है, हम एक दूसरे को रेफरल पास करते हैं, एक दूसरे के व्यापार में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और इसी से सबकी वृद्धि होती है। ये सर हमारा BNI का उपहार उत्सव जो कार्यक्रम है, ये उपहार उत्सव में हम बिजनेस बढ़ाने के लिए ये उपहार उत्सव योजना शुरू की है, जिसमें BNI के मेंबर मिल के लाखों के इनाम बांट रहे हैं, जिससे हर व्यापार में वृद्धि होगी। कार्यक्रम में इतना ज़बरदस्त उत्साह है और आज इस उत्साह का पहला ड्रॉ निकल रहा है, जिसमें सारे लोग, सारे जितने हमारे कस्टमर है वो भी हमसे लगातार सवाल कर रहे हैं कि कब क्या ड्रॉ निकल रहा है, तो उनको लगातार सबकी उत्सुकता बनी हुई है। मैं गिरीश खापड़े हूँ, मेरी फर्म खापड़े कैलेंडर है और हम लाए हैं इस बार उपहार उत्सव, जिसमें आप जीत सकते हैं लाखों के इनाम। बहरहाल व्यापार को बढ़ावा देने वाली, व्यवसाय की जगत में उत्तरोत्तर तरक्की करने के लिए प्रेरित करने वाली BNI संस्था के लोग बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद रहे। ACN न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप सुनेंगे, आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।